हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से पता ही होगा कि जो लोग मुझसे बहुत पहले जुड़े हुए हैं उनको पता है कि रेगुलरली मैं वीडियो डालता हूँ, बट कुछ दिनों से आपको मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं वैकेशन चला गया था। थोड़ा सा इमरजेंसी भी था, माइंड को रिलैक्स करना था क्योंकि माइंडसेट भी ठीक नहीं था कि हमेशा मार्केट को टाइम दो, देखते रहो, थोड़ा सा अपने लिए भी ब्रेक बनता है। इसी वजह से मैं वैकेशन पे चला गया था, उसीलिए जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो कोई बात नहीं, चीज़ें तो होती रहती हैं ऐसे। और सबसे पहले मैं आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहता हूँ। बहुत ही लेट है बिकॉज मैं थोड़ा सा बिज़ी रह गया था क्योंकि घर का जो ग्रॉसरीज वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो सारी ख़त्म हो गई थी और मैं शायद तक 12-13 को वापस आया होगा। एग्जैक्टली तो मुझे डेट याद नहीं है। सो मेरा जो वैक्सीनेशन का थर्ड डोज था वो भी मैंने लिया, तो उसी वजह से थोड़ा सा मेरा बुखार भी आ गया था। तो अभी बट मैं बिल्कुल भी सही हूँ और एकदम अभी शुरू से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और लेकिन ये बात है कि मेरा सिस्टम काफ़ी टाइम जो है बंद रह गया था, कह सकते हैं 1 वीक के आसपास बंद रह गया था। तो जब मैं इसको सिस्टम को दोबारा से ऑन किया, जो मेरा ओल्ड वाला मॉनिटर था, पता नहीं उसमें कुछ अजीब सा इशू दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डर से भी चल रहा है चीज़ें, बट जो डिस्प्ले वाला पार्ट है वहाँ से कुछ चीज़ें आपको अलग तरीके से दिखेगी। तो वो मैंने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके रखा है, तो आपको जो है दूसरे क्लिप पर वो मिल जाएगा, वो पार्ट जो मैंने रिकॉर्ड करके डाला है। सो ये चीज़ें हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं कि आज थोड़ा सुबह से मैं अपलोड करने का कोशिश कर रहा था बट टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो है रेगुलरली टच में रहेंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो पर और उस पर जो है चीज़ें बात करते हैं। सो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है और ये सबसे पुराना वाला स्क्रीन है जो कि आप देख सकते हो। जो मैं गांव गया हुआ था तो काफ़ी दिनों हो गए ये सिस्टम ऑफ था, तो ये मैं जैसे ही मतलब ऑन किया तो आप देख सकते हो इस तरह का कुछ हॉरिजेंटल लाइन बहुत सारे बन गए। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो किस तरह का हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे बना हुआ है और साथ ही साथ ये वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन के बीचों बीच में कुछ इस तरह का लाइनिंग आ रहा है। तो ये जो है मैं मतलब दिखा दिया जो टेक्नीशियन है, स्पेशलिस्ट है जो मॉनिटर वगैरह रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो है इसका टाइम खत्म हो चुका है, तो अभी जिसका इतना टाइम है इसको यूज करते हैं और जो इसका बैकअप है मैंने ऑलरेडी इसका अमेजन से ऑर्डर कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है आप देख पा रहे हो, ये जो है अमेजन का डब्बा है ये वाला, और यहां से मैंने ये ऑर्डर किया था। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में भी दिखा दे रहा हूं। तो ये आप देख सकते हो ये एसर का जो है एलईडी वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हालांकि लिखा है एलईडी बट यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन एलसीडी मॉनिटर लिखा हुआ है, पता नहीं इसका क्या है क्या नहीं। और इसका ईयर ऑफ इंपोर्ट जो है जुलाई 2022 का है, मतलब अभी अगस्त चल रहा है, तो मतलब लेटेस्ट पीसी है कह सकते हैं। और इसका प्राइस जो आप यहाँ पे देख रहे हो 13,750 उतना प्राइस है नहीं, मुझे ये अमेजन का जो फ्रीडम सेल है वहां पे मुझे ये 7,000 रुपीज पड़ा था। और ये जो है फुल एचडी है, 21.5 इंचेस का जो है ये स्क्रीन है और इसका डब्बा कुछ इस तरह आपको दिखेगा और साथ में यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको दिखेंगी कि पैनल टाइप क्या है, वीए पैनल और रेस्पॉन्स टाइम वगैरह। तो ये मेरे पास और एक ऑप्शन था नाइट्रो का, एसर का नाइट्रो, तो मैं वो लेता बट मुझे इसमें दोनों खास डिफरेंस नजर नहीं आए, मुझे बस चार्ट रीडिंग के लिए चाहिए था, तो मैं सोचा कि चलो इसी को ही ऑर्डर कर लेते हैं, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया है। अब जो है मैंने इसको लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप में कैसे क्या है वो देखते हैं। सो अभी हम लोग मेरे लैपटॉप वाले सेटअप पे आ चुके हैं, तो लैपटॉप में भी थोड़ा सा इशू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है कुछ इस तरह का पिंक स्क्रीन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे,
तो इसको भी मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा टेक्नीशियन के पास कि क्या इश्यू है, हार्डवेयर इश्यू है या इसका स्क्रीन इश्यू है, तो वो सारी चीज़ें वो देख लेगा। तो इसको बस मैंने टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसको HDMI के साथ कनेक्ट किया है इस वाले मॉनिटर का, जो आप देख सकते हो ये एसर का मॉनिटर है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का ये दिखता है, टोटल 21 इंचेस का है, तो काफ़ी अच्छा ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मल्टीपल चार्ट्स लगा रखा है, तो ये लगातार अभी शायद आज इसका 3 दिन हो गया होगा, तो ये मैंने लगातार इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कहीं इसमें कुछ इश्यू वगैरह तो नहीं है। इस तरह का मैं ये अभी उसको ओपन करके रखा हूँ और इसको ऑन करके रखा हूँ, आप देख सकते हो। तो लैपटॉप का जो सेटअप है, मैंने इसको एक बेसिक सा टेबल से यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक कीबोर्ड है जो कि लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, और ये जो स्पीकर है इसका बोर्ड में कनेक्ट कर दिया हूँ लैपटॉप के साथ, और ये माउस है, और इसका जो पेन टैब है ये वाला, अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं इससे लिख देता हूँ, ये वाले पेन टैब से। हालांकि लैपटॉप में कुछ ऐसा इशू नहीं आता है, बट ये इसका स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वापस हम लोग अपना जो मॉनिटर वाले स्क्रीन पे आते हैं, ये आप देख चुके हो। ये जो है मैं अभी उसको, जो हम लोग का ट्रेडिंग सिस्टम है वहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगा ताकि जो है इजीली जब भी चार्ट ट्रेडिंग हो सके, क्योंकि इसी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं ला पा रहा था, और ये आप देख सकते थोड़ा सा कुछ इस तरह का प्रॉब्लम भी हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर तरफ जो ब्लू एक का लाइन आ रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि होती है ना घर पे कि आप कई सारे ज़्यादा अगर आप एसेसरीज रखते हो, मतलब मशीनरी चीज़ रखते हो, तो उसका ख्याल भी, उसका मेंटेनेंस भी रखना पड़ता है। तो अभी हम लोग वापस अपने पुराने सेटअप पे चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा जो है पुराना सेटअप पे हम लोग वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, और ये पे मतलब क्या ही बोलूँ, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो मॉनिटर है काफ़ी मुझे साथ दिया, तो इसको तो जाना ही था, बट क्या करें कोई बात नहीं। और ये मॉनिटर जो है मेरा सेकेंडरी मॉनिटर था, ठीक है, इसको मैं अभी शिफ्ट कर दूंगा, मतलब इसको यहाँ पे ले आऊंगा, और जो बड़ा वाला वो नया नया वाला मॉनिटर है इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, तो दोनों स्क्रीन पे मुझे इजीली हो जाएगा। तो इसी वजह से काफी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी चार्ट रीडिंग पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। बस जो हो रहा है ये सिंगल जो है मॉनिटर पे जितना हो पा रहा है उतना कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या करें यार, हो जाता है। तो वही नहीं, हम लोग जो है अभी कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, मैं वीडियो लाता रहूँगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दूसरी बात, आपको कल न्यूज़ पता ही चल गया होगा, जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ था कि राकेश झुनझुनवाला जी जो हमारे साथ अभी नहीं रहे। सो देखते हैं कल मार्केट इस न्यूज़ को लेके किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह रिएक्ट नहीं करता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे मतलब होल्डिंग्स था, तो उस हिसाब से वो किस तरह अभी मार्केट रिएक्ट करेगा वो चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो हमेशा हमारे दिल पे रहेंगे, हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बस इतना ही आपको मैं दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय दोस्तों।